आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर एक बल्लेबाज बनने के बाद सामने आया शुभमन गिल का बयान। कहा, नंबर एक बस एक नंबर है, अभी काफी क्रिकेट खेलना है। गिल ने हाल ही में वनडे रैंकिंग में नंबर एक का स्थान हासिल किया था। उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को नंबर दो पर धकेला था। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आईसीसी रैंकिंग पर दिया बड़ा बयान। कहा, नंबर एक की रैंकिंग मेरे लिए मायने नहीं रखती है, फिलहाल वर्ल्ड कप जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। मोहम्मद सिराज आईसीसी रैंकिंग में नंबर एक गेंदबाज बन चुके हैं। सिराज के 709 पॉइंट्स हैं। वर्ल्ड कप में सिराज 8 मुकाबलों में छटका चुके हैं 10 विकेट। टीम इंडिया के होटल में रुकी अनुष्का शर्मा बेंगलोर में पति विराट कोहली के साथ आई नजर। बॉलीवुड अभिनेत्री काले रंग के वन पीस में नजर आई। विराट और अनुष्का के होटल से बाहर जाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ऋषभ पंत को लेकर भारतीय फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। वापसी के लिए पंत जिम के साथ साथ मैदान पर भी पसीना बहा रहे हैं। ऋषभ पंत कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में पहुंचे, जहां उन्हें साथी खिलाड़ियों और स्टाफ के साथ बात करते हुए देखा गया। श्रीलंका को हराकर न्यूजीलैंड ने हासिल की जीत। 9 मैचों में न्यूजीलैंड के हुए 10 पॉइंट्स। न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं दिखा लंकाई बल्लेबाजों का जादू। कुशल परेरा ने सबसे ज्यादा 51 रन बनाए। लंकाई ओपनर प्रथम निसंका ने 8 गेंदों में 2 रन बनाए। कुशल मेंडिस 7 गेंदों में 6 रन बनाकर चलते बने। चरित असलंका, एंजेलो मैथ्यूज, धनंजय डिसिल्वा और चमिका करुणारत्ने ने 8, 16, 19 और 6 रनों का योगदान दिया। लोअर ऑर्डर बैट्समैन महेश तीक्ष्णा ने 51 गेंदों पर खेली 39 रनों की पारी। तीक्ष्णा और दिलशान के बीच आखिरी विकेट के लिए 43 रनों की पार्टनरशिप हुई। न्यूजीलैंड के लिए ट्रेंट बोल्ट सबसे कामयाब गेंदबाज रहे। ट्रेंट बोल्ट ने श्रीलंका के 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। 12 नवंबर को वर्ल्ड कप में भारत और नीदरलैंड्स की टीमें आमने सामने होंगी। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। रियान क्लैन की जगह प्लेइंग 11 में नोहा क्रॉस को शामिल किया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप में अपनी आखिरी चुनौती पेश करेगा अफगानिस्तान। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मुकाबला। दक्षिण अफ्रीका अपना पिछला मैच हार के आ रही है। उससे पहले प्रोटिया टीम ने जीते थे लगातार 4 मैच। क्रिकेटर और कमेंटेटर दिनेश कार्तिक विजय हजारे ट्रॉफी के अगले सीजन में तमिलनाडु की तरफ से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। कार्तिक ने आखिरी मैच मई 2023 में आईपीएल के दौरान खेला था। कार्तिक विजय हजारे ट्रॉफी के पिछले सीजन में भी खेले थे।